हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम रजनी सिंह, योर फ्रेंड, गाइड एंड ट्रेनर। आज का मैं टॉपिक जो लेकर के आई हूँ वो बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बिकॉज हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा भोजन। और वो भोजन बनता कहाँ है? वो हमारे घर के किचन में। और किचन में हम पता नहीं कितनी सारी क्रियाएं करते हैं, वर्ब्स, बहुत सारे वर्ब्स होते हैं। मैक्सिमम वर्ब्स बहुत ही कॉमन है जो लोग जानते भी हैं, बट कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जो हम नहीं जानते। मतलब किस चीज़ को करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किचन में, किचन से रिलेटेड यूजफुल सेंटेंसेस, जो कि सिर्फ हाउसवाइफ्स के लिए ही नहीं, जो भी किचन में जाता है, खाना पकाता है या फिर खाना खाने वाला इंसान भी, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज ये वीडियो बेस्ड है इसी टॉपिक के ऊपर और हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर हम बोलना चाहते हैं कि आटा गूंथ लो, कुछ लोग इसको आटा सानना भी बोलते हैं, कुछ लोग आटा माड़ना भी बोलते हैं। तो अगर हमें बोलना हो कि आटा गूंथ लो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नीड द फ्लावर, नीड द फ्लावर। अब मैं बोलना चाहती हूँ कि रोटी बेल लो, रोटी बेल लो, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रोल द चपाती, आई से रोल द चपाती। अब रोटी को बेल लिया है तो अब सेकना भी है, रोटी को सेकने को हम बोलते हैं बेक द चपाती, रोटी सेकने को हम बोलते हैं बेक द चपाती। सब्जी काट लो, अगर सब्जी को बड़े बड़े टुकड़ों में काटना है तो हम बोलेंगे कट द वेजिटेबल, कट द वेजिटेबल्स। लेकिन अगर हमें सब्जी को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, जैसे कि हम जनरली अनियन को क्या करते हैं? चॉप करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे चॉप द अनियंस। सूप को चम्मच से हिला दो, सूप को चम्मच से हिला दो या चला दो, इसे हम बोलेंगे स्टर द सूप विद द स्पून, स्टर द सूप विद द स्पून। लौकी को किस दो, इसे कद्दूकस करना भी बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे ग्रेट द बॉटल गॉड, ग्रेट द बॉटल गॉड। मसाले पीस दो, मसाले पीस दो, इसे हम बोलेंगे ग्राइंड द स्पाइसेस, ग्राइंड द स्पाइसेस। वह बर्तन धो रही है, इसे हम बोलेंगे शी इज डूइंग द डिशेस, शी इज डूइंग द डिशेस। सॉस पैन में दूध डालो, इसे हम बोलेंगे पोर मिल्क इनटू द सॉस पैन, पोर मिल्क इनटू द सॉस पैन। रोटी को चिमटे से पकड़ो, इसे हम बोलेंगे होल्ड द चपाती विद द टोंग्स, होल्ड द चपाती विद द टोंग्स। तो ये थे कुछ यूजफुल किचन सेंटेंसेस, बट नो, इतने ही सेंटेंसेस से काम तो कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आऊंगी किचन के ऊपर ही, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक इतने सारे जो सेंटेंसेस आप पहले से भी जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, प्लीज उसका यूज कीजिए, सीखिए और सिखाइए, अपना ध्यान रखिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड प्लीज ड्रॉप योर कॉमेंट्स, विच इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर मी। थैंक्स अ लॉट।